सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सुबीर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुबीर सर और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुबीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने चैनल पे दूसरा चैनल ऐड कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये रहा डेमो। तो आप जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक चैनल होम पेज दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको दूसरा चैनल ऐड हुआ दिख रहा होगा। तो ये कैसे करते हैं, इस चैनल को कैसे ऐड किया जाता है, अगर आपने कुछ नया अगर आपने दूसरा एक और चैनल बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे दूसरा जो चैनल है उसको ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे करो, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आपने जैसे कि टेक्निकल गुरु जी देखा, उन्होंने भी ऐसे ऐड किया हुआ है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो ऐड। तो दोस्तों, अगर सबसे वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये चीज बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे टेक्निकल वीडियो लाते रहता हूँ। सब्सक्राइब कैसे कहना है मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको जैसे सेकंड चैनल ऐड करना है, तो आपको जाना है सबसे पहले तो अपने यूट्यूब ऐप पे। इस ऐप में जाना है आपको। जाने के बाद जो भी आपको जो जैसे कि आपका कोई चैनल है, दूसरा चैनल आपने बनाया है और आप अपने जो चैनल ग्रो कर गया है उसमें आप उसे ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो चैनल ऐड करना है उसको तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सर्च कर लोगे तो आपको जैसे कि यहाँ पे थ्री डॉट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके शेयर का ऑप्शन लिखा आता है, वहाँ पे से आपको यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, तो आपको उस चैनल को जो है ऐड कॉपी कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मेरे पास एक दूसरा चैनल है किसी का, मैं उसको ऐड करके आपको दिखाऊँगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने चैनल पर और यहाँ पे से एक ये चैनल है, इस चैनल को मैं ऐड करूँगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ थ्री डॉट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करो शेयर का ऑप्शन आ जाता है, और शेयर के ऑप्शन पर आते हैं यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और बैक आ जाना है। अब आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। अगर आप कुछ भी दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हो अपने यूट्यूब अकाउंट को हैंडल करने के लिए, तो आप उस ब्राउज़र पे जा सकते हो। और जाने के बाद मैं आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, तो आपको जाना है वहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे चले जाते हो तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइज का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यहाँ पहले इसको डेस्कटॉप साइज में कर लेना है। जैसे कि आप पीसी में अगर कोई यूज़ कर रहे हो तो आपको पूरा का पूरा वही यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको अपने यूट्यूब पे चले जाना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपको करना क्या है, सिंपली सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप पीसी यूज़ करो तो दोस्तों आपको पूरा पूरा प्रोसेस यही का यही करना है, कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे बता रहा हूँ, सभी के पास पीसी या लैपटॉप तो होता नहीं है, मोबाइल तो सभी यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लगा दिया थ्री डॉट का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने माय चैनल का ऑप्शन आ जाता है, ये देखो माय चैनल का ऑप्शन। तो आप करना क्या है, आपको यहाँ पे माय चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से ये पेज आ जाएगा खुल के, और आपको मैं यहाँ को जूम करके दिखा दूँ, सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा एड सेक्शन। एड सेक्शन पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर एड सेक्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट कंटेंट का ऑप्शन आ जाता है, और आपको करना क्या है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप की तरह यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, और आपको यहाँ पे नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है स्लाइड करते हुए, और आपको यहाँ पर चैनल का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे अभी चैनल का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको उसके नीचे यहाँ पे एक कस्टम ग्रुपिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐड चैनल का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्टेड, यहाँ पे टाइटल लिखने का ऑप्शन आता है, और दूसरा आता है आपको यहाँ पे चैनल का जो आपने यूआरएल अभी कॉपी किया था, जिसे मैंने शुरू में फर्स्ट में बताया था उसको कॉपी किया था। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चैनल पे यहाँ पे सिलेक्ट टाइटल, कुछ भी आपको टाइटल जो है लिख देना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, एंटर चैनल यूजर नेम, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना जो आपने कॉपी किया था, तो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप पेस्ट करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जूम करना है आपको, और यहाँ पे
यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आ दिख रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो चैनल है यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आ गया है अजय प्रजापति, यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल आ गया है। और आपको करना क्या है, एकदम जूम कर दो और यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे डन करते हो तो आपके सामने जो ये चैनल है, ये जो चैनल है यहाँ पे आ गया है ऐड होके, जो ये यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसको डन कर देना है। तो ये जो चैनल है यहाँ पे ऐड हो गया है। अब आपको करना क्या है, ये चैनल तो आपको यहाँ पे नीचे नीचे दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, हमें ये चैनल को ऊपर लेके जाना है। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ एक तीर के जैसे निशान दिख रहा होगा, तो आपको ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इसे क्लिक करोगे तो ये ऊपर आ गया। हमें और ऊपर लेके जाना है, तो हम इसके ऊपर, अब हम इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पे ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अगर ऊपर लिखा है तो आप ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो ये दोस्तों ये चैनल जो है अभी ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको इसे बैक लेके जाके हम पूरा दिखाऊंगा। अब मैं इस मेरे यूट्यूब पे चले जाता हूँ, यूट्यूब ऐप में, और मैं आपको यहाँ होम पेज में हमें दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मेरे पास ये जो चैनल है ये यहाँ पे आ चुका है, ये देख सकते हो अजय प्रजापति। यहाँ पे ये चैनल जो मेरे पास आ गया है, और मैं अगर चैनल पे जाऊँगा तो वहाँ पर भी मुझे दिखा देगा कि मैंने यहाँ पे पहले सब्सक्राइब कर रखा था, अब मेरे पास जो ऐड किया जो चैनल, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। दोस्तों इस तरह से आपको जो है अपने चैनल को ऐड करना है। अगर आप इस चैनल को अगर हटाना चाहते हो, तो अगर जैसे कि आपने कोई चैनल ऐड करके ही रखा है, अगर आप उसे हटाना चाहते हो, तो अगर हटाना चाहते हो यहाँ से, अगर आप लगाना नहीं चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों ये दोस्तों थी, अब आपको अपना चैनल यूट्यूब चैनल पे दूसरा चैनल ऐड करना आ गया होगा। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको सब्सक्राइब करना क्या है, कैसे करना है, तो दोस्तों आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना है और साइड में बेल आइकन का ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि मेरी नई नई जो आने वाली जो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ।